मुन्ना की रसोई में आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज के पकौड़े। इसे प्याजू भी कहते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और बहुत ही टेस्टी हैं और ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएंगे, इंस्टेंट आप तैयार कर सकते हैं। तो फिर चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। प्याजू और प्याज की भजिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 2 हरी मिर्चें हैं और थोड़ी सी धनिया की पत्ती है। धनिया की पत्ती को आप बारीक चॉप कर लीजिए। और यहाँ पर जो मैं प्याज ले रही हूँ उसे मैं लंबी लंबी स्लाइसेस में कट कर लूँगी, तो आप ज़्यादा मोटी स्लाइसेस मत कीजिए ना ही ज़्यादा पतली, एक मीडियम साइज़ की स्लाइसेस में कट कर लीजिए सारी प्याजों को, और मिर्ची को भी चॉप कर लीजिए। यहाँ आप देखिए प्याज को मैंने किस तरह से लंबी लंबी स्लाइसेस में कट कर लिया है, ना ये ज़्यादा ही पतली है और ना ही ज़्यादा मोटी है। अब जो प्याज मैंने चॉप की थी उसमें मैं अब सभी चीज़ों को ऐड करूँगी। तो इसमें मैं सबसे पहले चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड कर देती हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देती हूँ और धनिया पत्ती जिससे मैंने चॉप कर लिया है उसे भी मैं ऐड कर देती हूँ। अब यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून साबुत जीरा ऐड कर रही हूँ, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/3 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है तो आप स्किप कर दीजिए क्योंकि हम हरी मिर्ची ऐड कर रहे हैं, और अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो 1/3 टीस्पून डाल दीजिए। और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं नमक ऐड नहीं कर रही हूँ अभी। अब यहाँ पर हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैं नमक ऐड नहीं कर रही हूँ, जब हम बेसन ऐड करेंगे तभी मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। आप प्याज के भजिया में या प्याज के पकौड़े में पहले से नमक ऐड करके मत रखिए, प्याज पानी छोड़ देती है उसकी वजह से। जैसे ही आप ऑयल चढ़ाएंगे उसके बाद जैसे हमारा जब तक ऑयल गर्म होगा जब तक आप बेसन ऐड कीजिए और उसमें नमक ऐड कीजिए, तो आपकी भजिया क्रिस्पी बनेगी। अब यहाँ पर मैं बेसन ऐड करूँगी। बेसन आप थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड कर रही हूँ। सभी को अच्छे से मिक्स कीजिए। नमक मैं ऐड कर देती हूँ, यहाँ पर मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कीजिए। सभी को मिलाने के बाद अब मैं यहाँ पर पानी ऐड करूँगी। आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिए और सभी को मिलाते जाइए। बेसन यहाँ पर मैं इस तरह से ऐड कर रही हूँ कि बेसन हमारा बस प्याज को अच्छे से बाइंड करे, जब हम इसे डीप फ्राई करें तो ये अलग अलग ना हो। प्याज की भजिया में प्याज ज़्यादा होना चाहिए और बेसन कम। बेसन को हमें बस उसे अच्छे से बाइंडिंग के लिए यूज़ करना है। उससे क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भजिए बनेंगे इसके। यहाँ पर मैं 5 छोटी चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ। सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स कर। अब गैस के ऊपर मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ और उसमें तेल डाल देती हूँ। तेल हमें ज़्यादा रखना है क्योंकि हमें भजियों को फ्राई करना है। आप यहाँ देख सकते हैं फ्राई करने के लिए मैंने अपनी भजियों को यहाँ पर डाल दिया है। साइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर ना मैंने ज़्यादा छोटा साइज़ लिया है ना ज़्यादा बड़ा साइज़ की भजिया है। गैस की आँच को मीडियम पर रखिए और सारी भजियों को पलटते रहिए ताकि ये अच्छे से चारों तरफ से सिक जाए। जैसे हमारी भजिया गोल्डन ब्राउन होगी हम इसे चम्मच की हेल्प से निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि भजियों को किस तरह से डालना है। आप देख सकते हैं जब आपका ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब आप गैस की आँच को मीडियम कर देंगे और फिर आप इसमें भजियों को डालना स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा आँच से भजिया जल्दी ही हमारे डार्क ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। अब जैसे ही हमारी भजिया गोल्डन ब्राउन होना शुरू करेगी गैस की आंच को आप स्लो कर दीजिए और धीरे धीरे सारी भजियों को आप चम्मच की हेल्प से बाहर निकाल दीजिए। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो रहा है अपने करछी की हेल्प से उसे बाहर निकाल रही हूँ। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। लूबना की रसोई चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।